इंद्रदेव इतना खुश हो गए कि पानी दे रहा है। ये लड़का है गाइस, ए बंदरा मास गाइस, बोलो जल्दी। चुके हैं रोपा रोपने के लिए और आज जंगल वाला खेत आए हैं जिसको पजरा डूबा बोलते हैं और यहाँ पे सबको बीड़ा उखाड़ रहा है तो हम भी चलते हैं उखाड़ने के लिए। और उधर क्या कर जीजू क्या कर रहे हैं? हाँ घास निकाल रहा है वो। और अभी हम भी जाते हैं बीड़ा उखाड़ने के लिए और इधर सबको रोप रहा है तो दिखाते हैं आप लोग को। खखड़ा जिसको सरूल में पूजा किया जाता है और ये बहुत खतरनाक होता है तो थोड़ा बच के अगर कभी भी जाते हो पकड़ने। और इधर हमारे जीजू गुनू, चलो एक बार फोटो ले लेते हैं थंबनेल के लिए। तुम कहाँ बोली थी बीड़ा क्या करते हैं? हाँ बीड़ा, इसको जो खाड़ते हैं उसको बीड़ा मारना भी बोलते हैं, हमको आज पता चला। और यहाँ पे देखो छोटा 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 कीड़ा है। जीजा बाबा गलती से बाबा निकल गए। अभी हम लोग जा रहे हैं और एक खखड़ा पकड़ने के लिए। बहुत बड़ा है सुसु। दीदी खखड़ा पकड़ने में बहुत एक्सपर्ट है, देखो 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 गाइस, दिखो दिखो दिखो। और तभी वाला से भी बड़ा है ये वाला, ये लड़का है गाइस, ऐसा दीदी बोल रही है। और जो तभी दिखाए थे वो लड़की है, कैसे पता चलता है? इसका जो पेट में वो है ना रही, हाँ क्या बोलते हैं इसको, लाइन वाला, हाँ करिया, करिया बोलते है। करिया नहीं करिया, कारिया, जो भी आप लोग कमेंट करके बताना क्या बोलते हैं। मैं उंगली डालते ही मजा आ जाए। कैसा आ रहा है, गदगदा क्या रहा है, कैसा गदगदा क्या रहा है? ऊपर से, ऊपर से कहाँ आ रहा है? बादल, बादल से नहीं आ रहा, खेत से आ रहा है। बोल तो गदगदा क्या रहा है, नहीं बोलता है गाइस मेरे सामने। मामी बान उतारने का तैयारी कर रही है, वो रहा धान चावल और उरद। और ये मेरा पहली बार है तो आगे का दिखाते हैं। और ये रहा सिंदूर। तो हम लोग का इधर हो रहा है समोसा और चाय पार्टी। और राहुल समोसा के लिए थैंक यू। कैसे लग रहा फिर वो कट में खाने का? भाभी को राहुल जैसा लग रहा है। अरे यार रेडी हो गया, जैसा मिला है वैसे ही, पर थोड़ा सा छोटा हो गया। आलू कमी है गाइस, बरगद पेड़ वाले अंकल अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा आलू भरिए इसमें। अभी हम लोग जा रहे हैं बान उतारने, शायद खेत में अच्छा से फसल हो, किसी का नजर उजर ना लगे, इसीलिए उतारा जाता है। हाँ भगवान को खुश करने के लिए भी पूजा पाठ, उसके बाद स्टार्ट होता है रोपा।
पूजा पाठ करना था वो हो गया, और थोड़ा सा नियम के लिए रोपा जाता है तो वो मामी रोप दी। और अभी मेरा चाय बचा हुआ है तो अभी हम जाते हैं चाय पीते हैं, उसके बाद उतरेंगे खेत में रोपने के लिए। हम उधर पूजा करने गए, पूजा नहीं वीडियो शूट करने गए, तो इधर मेरा चाय गायब हो गया। केकड़ा पी, केकड़ा नहीं गुमी दीदी पी ली, गुमी केकड़ा। A few moments later. हमारी मामी इतना अच्छा से पूजा की, इंद्रदेव इतना खुश हो गए कि पानी दे रहा। अभी हम लोग 50% कंप्लीट कर चुके हैं और अभी इतना सब बाकी है, और इधर भाभी और दीदी रोप ही रही है, हम और सुसु थोड़ा सा चिल मार रहे हैं क्योंकि सुसु करने जा रही है, सुसु छाता लेने जा रही है, तो हम थोड़ा सा चिल मार रहे हैं क्योंकि हमको कमर दर्द दे रहा है गाइस। और इधर मामी खाना खा रही है, हमको नहीं शाम हो गया, शाम नहीं हुआ, 3 बजने वाला है, 2:30 हो रहा होगा, और हमको बोर लग रहा था थोड़ा सा, मैं तो खड़ा होकर चिल मार रही, देख रहे लो कैसे रोप रही है, हमको उतना अच्छा से नहीं आ रहा तो देख देख के बस सीख रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा हमको हम क्या बोलना चाह रहे हैं क्योंकि हम बहुत ज्यादा थक चुके हैं, तो मिलते हैं थोड़े देर में। वो लोग गोल वाला प्रोसेस से रोपा रोप रहा है और हम लोग ऐसे सीधा सीधा वाला में, रोपने का भी प्रोसेस होता है हमको आज पता चला है। जाते हैं, बहुत हो गया, अब हम भी जाते हैं थोड़ा सा रोप लेते हैं। फाइनली हम लोग का रोपा खत्म हो गया, बीड़ा थोड़ा खत्म हो गया था इसीलिए थोड़ा सा बाकी है वहाँ पे, तो किसी से बीड़ा मांगा जाएगा उसके बाद और किसी दिन कंप्लीट किया जाएगा। और अभी हम लोग सामान वामान लेके जा रहे हैं उधर ऊपर साइड, वहाँ पे खाएंगे हम लोग खाना, तो वहाँ पे पहुँचते हैं उसके बाद आप लोग को दिखाते हैं कि हम लोग खाने में क्या क्या लेके आए हैं। हम लोग आके यहाँ पे सब कोई खाना खा रहा है, वो लोग क्या सब्जी लाया वो लोग तो हम नहीं दिखाएंगे क्योंकि हमको बहुत ज्यादा भूख लग रहा है, तो हम अपना खाने में फोकस करते हैं। हम लोग खा रहे हैं यहाँ पे, इसको बोला जाता है बंदरा मांस ऐसे मजाक मजाक में, और इसका नाम है सोयाबीन भरी आलू पनीर, सोयाबीन सोयाबीन भरी बोलो या सोयाबीन बोलो बात बराबर रहता है, होता है अचार खाना। और उधर क्या सब्जी आया है, कोई साग है पता नहीं क्या साग, मुनगा साग है ना। A few moments later. खाने के बाद थोड़ा सा लाल चाय जिसको आप लोग बोलते हैं ब्लैक टी। आप कुछ कहना चाहिएगा, कैसा लगा आपको रोप के, रोपा रोप के? मेरे को पूछ रही है। तो तुम्हें पूछेंगे। तो डर नहीं लग रहा? कैसा लगेगा, अच्छा लगा, गोल्डन आवर है, बहुत अच्छा दिख रही हो, बताओ जल्दी चमक रहे ना, बताओ ना अच्छा लगा, आखिरी था, मजा आया रोकने में। आखिरी कहाँ हुआ है, सुषमा का है, मतलब कि हम लोग का खेत खत्म हो गया, उसको डालनी थी लेके डालनी है अब उसके बाद, अब जाना बाकी। गाइस कमेंट करके बताना मंदिर के बाहर जो भिखारी लोग बैठता है भिखारी लोग जो बैठता है पैसा लेने के लिए, वैसे दिख रही कि नहीं दिख रही, कटो रखो ना प्लेट रखो, पैसा रखो, अरे नीचे रखो, तो चाय खत्म करते हैं उसके बाद हो सके तो खुकड़ी भी बिछते जाएगी की गाड़ी में कर गाने खुकड़ी प्लान बना था खुकड़ी बिछने का, पर वो कैंसल हो गया, अब सीधे जाते हैं घर। होप तो आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू, बाय कर दो। उधर मामी बिजी है तो उनका बाय मेरे तरफ से बाय।